चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में काफी एक्सपर्ट हो जाओ लेकिन अगर इस लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट नहीं हो बॉडी लैंग्वेज आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड बॉडी लैंग्वेज आज मैं आपका टेस्ट लेने वाला आई विल शो यू सम 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 ऑफ पीपल आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly क्या चल रहा है उनके अंदर मुझे तो कभी कभी लगता है इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर आप एक जादूगर से कम नहीं हो बिकॉज बाई सी समबदी किसी के हाथ किसी के किसी के स्माइल किसी की आंखें देखकर आप बता सकते हो सामने वाला क्या सोच रहा है हाउ टू रीड बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज हम जो भी कंटेंट को बात करेंगे कंटेंट हमने लिया है, एक वेबसाइट है साइंस ऑफ पीपल अगर आपको और भी टेस्ट देने हैं और बॉडी लैंग्वेज को लेकर आपको और ज्यादा नॉलेज गेन करनी है आप इस वेबसाइट में जरूर जाना हाउ टू रीड बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले लुक एट दिस पिक्चर व्हाट डज दिस बॉडी लैंग्वेज इंडिकेट ये बॉडी लैंग्वेज क्या इंडिकेट कर रहा है नर्वसनेस ही इज नर्वस आप देख सकते हो दैट पर्सन इज बाइटिंग हिज नेल्स कहीं और देख रहा है समथिंग इज गोइंग इन साइड हिज ब्रेन इज ही नर्वस और ही सैड और हिज शेम और हिस्स रोमेंड कॉन्फिडेंट क्या चल रहा है आपको बता सकते हो आप एंड द राइट आंसर इज कॉमन बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर दैट हेल्प सम पीपल रिलीव टेंशन एंड एंजाइटी ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन जी हाँ दोस्तों जब इंसान थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है थोड़ा नर्वस होता है उससे भी पता नहीं चलता उनके हाथ और नेल नेल बाइटिंग बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं क्या आप करते हो? साइन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज ये एक इंसान है उसके पैर इस तरफ है और ये इंसान है इसके पैर इस तरफ है मतलब लाइक like दिस तो क्या इसका मतलब है कि दे आर इंटरेस्टेड टू टॉक टू टूच अदर दोनों इंटरेस्टेड है दोनों के साथ बात करने के लिए अगर ऐसा है कि एक इंसान का पैर इस तरफ है और एक इंसान का पैर इस तरफ सो तो क्या इसका मतलब है कि दोनों में कोई है जो इंटरेस्टेड नहीं है लेट्स गो एंड सी द क्वेश्चन अगेन लुक एट दिस दोनों पैर एक दूसरे के तरफ डिरेक्टेड हैं लेकिन आपको लगता है कि दिस इज अ साइन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड द राइट आंसर इज यस True, absolutely right. Always remember this. Feet pointing towards someone is genuinely a good sign of mutual attraction or interest. In large group settings, the most charismatic person will usually have the most feet pointing towards them. However, if a person feels uncomfortable or disinterested and wants to leave, the feet may be pointing away towards the exit. जी हाँ दोस्तों यही तो मैंने अभी बोला कि अगर सामने वाला डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है या उससे इंटरेस्ट नहीं है वो अपने पैर आपके पैर के सामने से हटा देगा दूसरे तरफ रखेगा विच ऑफ दी फॉलोइंग इमेजेस कंटेन क्यूज़ अच्छे से इस पिक्चर्स को देखिए यहाँ पे आप सेवन पिक्चर्स देख सकते हो आउट ऑफ दिस सेवन पिक्चर्स ऐसे कौन कौन से पिक्चर्स हैं जहां पे आपको ऐसा लग रहा है जो इंसान है वो किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहा है या चाह रही है जी हाँ दोस्तों हमारे लाइफ में बहुत समय हमें कुछ लोग अच्छे लगते हैं हम उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं हम उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमारी जो बॉडी है ना आवर बॉडी कम्युनिकेट एवरीथिंग सो यहाँ पे जो सेवन पिक्चर आपने देखा मैं फिर से दिखाऊंगा आपको क्या लगता है ये सेवन पिक्चर्स में ऐसे कितने पिक्चर्स हैं एक है दो है तीन है चार है पांच है छह है सात है ऐसे कितने पिक्चर है जिसमें ये दर्शाया गया है दैट वन पर्सन इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट अदर पर्सन सो लेट्स गो एंड सी दो पिक्चर्स अगेन एंड फाइंड आउट योर करेक्ट आंसर लुक एट दिस पिक्चर्स क्या लग रहा है कौन से पिक्चर्स में आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है टिल्टिंग द हेड टचिंग द इयर वै की आंख मारना श्रगिंग एंड पॉइंटिंग हाइकिंग अप द स्कर्ट मतलब स्कर्ट को उठाना बाइटिंग द लोअर लिप्स रोलिंग अप द स्लीव द राइट आंसर फर्स्ट टिल्टिंग द हेड सेकेंड hiking up skirt biting the lower lip rolling up sleeves and winking yes these five clues are telling that yes they want to attract someone aap explanation ko se tilting the head exposes the neck is a gesture generally used by women when they are flirting jab koi फ्लर्ट करता है तो ऐसे जेस्टर्स वेमेन दिखाते हैं बाइटिंग द लोअर लिप्स इज ऑल्सो साइन ऑफ सेक्शुअल टू द लिप्स एंड फुलट वेन समबडी वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट समबडी सेक्शुअली सो बहुत समय वेमेन जो होते हैं वो अपने लोअर लिप को प्रेस करते हैं इवन हाइकिंग अप

झूठ बोल रहा है ये कौन सा ऑप्शन होगा जो आपको लगता है सही आंसर है लुकिंग लेफ्ट और लुकिंग राइट और लुकिंग अप और आपको लगता है कि नहीं दीज आई कॉन्टेक्ट आर नॉट सफिशिएंट सो नन ऑफ दी द आंसर इज नन ऑफ दी जैसा कि मैंने बोला कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक पर्टिकुलर वे से रिएक्ट करती है खासकर हमारी आंखें व्हेन समबडी इज लाइंग जो आंखें हैं स्पेशली वो डायरेक्टली सामने वाले को देख नहीं पाती अगर देखती भी है और वो झूठ बोल रहा है देन आई गोस टू द राइट हैंड साइड एंड टॉप साइड मतलब उसके राइट हैंड साइड और टॉप साइड में जाता है जब वो झूठ बोलता है क्योंकि वो कहानी बनाता है सो फ्रेंड्स द राइट आंसर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे नन ऑफ दी अब फॉर द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन इज वट डज दिस बॉडी लैंग्वेज क्यू इंडिकेट आपको लग क्या लगता है ये जो बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हो वट डज दिस शो दिस शो हैपीनेस और फियर और कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट कभी कभी हमें भी नहीं पता कि हमारे जो हाथ हैं, ये सब बता देती है सामने वाले को कि मैं कॉन्फिडेंट हूं या कॉन्फिडेंट नहीं हूं यहाँ पे जो हैंड है वो है ऐसा इट इज लाइक दिस इसे बोलते हैं स्टिपलिंग स्टिपलिंग मींस आई एम सो कॉन्फिडेंट यस स्टिपलिंग लाइक आई एम मैं इंटरव्यू दे रहा हूं और मेरे हाथ ऐसे है स्टिपलिंग शोज कॉन्फिडेंस So, friends, the right answer is confidence. Confidence is the right answer because this hand gesture is called stippling. Stippling occurs when someone is typically feeling confident and in charge. The higher someone holds the stipple, the more confident they feel.

टच किया है आपको बहुत खराब लग रहा है दैट इज डिस्गस्टिंग डिस्गस्ट आपको क्या लगता है कौन सा डिस्गस्ट लग रहा है आपको एंड द राइट आंसर इज Yes, number D. Why? Because disgust is one of the seven basic emotions and it characterized by narrowing eyes, eyes छोटे हो जाते हैं, raised upper lip, upper teeth being exposed, जो अंदर के दांत हैं वो दिखने लगते हैं, wrinkled nose and raised cheeks, जो nose में वहाँ पे wrinkles आते हैं और जो

सो ऑलवेज रिमेम्बर जब भी कोई इंसान डिस्कस्ट फील कर रहा है उसका मतलब है कि उसकी जो आंखें हैं वो छोटी हो रही है यहाँ पे थोड़े रिंकल्स हैं यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं और गाल थोड़े उड़ जाते हैं सो गाइज एवरी थिंग पर्सन कैन डिटेक्ट इन समबडीज फेस अच्छा लग रहा है या उसे बुरा लग रहा है नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई एम गोइंग टू शो यू वन पिक्चर एंड दिस विल रियली कंफ्यूज यू जेनविन स्म और इज इट अल्ड द राइट आंसर इज दिसल दिस इज अल लेकिन कैसे समझ में आएगा यह फेक है कि जेन्य हैल जेन्यन स्माइल टिपिकली हैव एन इंडिकेटर दैट इज नोन एज ड्यूशन मार्कर ड्यूशन मार्कर और इसे क्रोस फीड भी बोला जाता है If a person is smiling but lacks this indicator, they may be smiling just to be polite or even faking it. Duchenne marker, मतलब जब कोई इंसान सच में दिल से हंसता है, उसके wrinkles आते True or false? Putting objects in the mouth, such as pen, eyeglasses, fingernails, can be a sign of anxiety. क्या लगता पेन को दबाए हुए है अपने दांतों में या अपने आई ग्लास को लेके एकदम दांत के, के सामने ऐसे करके रख रहा है सो व्हाट दैट मीन क्या वो इंसान थोड़ा चिंतित है थोड़ा टेंशन में है

क्लोज बॉडी लैंग्वेज है ट्रू और फॉल्स द आंसर इज फॉल्स यस माय डियर फ्रेंड आप इस इंसान को देखो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो सामने वाले से बात नहीं करना चाह रहा है कभी कभी हम ऐसे क्रॉस होके खड़े होते हैं और हंसते हैं कंफर्टेबल फील करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से बात नहीं करना चाहते ओके गाइस लेट्स गो फॉर दिस विच एरिया ऑफ द बॉडी समवन टिपिकली टच टू इंडिकेट सिंसियरिटी सिंसेरिटी मतलब एक इंसान ईमानदार है अगर आप किसी को बताना चाहोगे कि मैं ईमानदार हूँ प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए तो आप अपने बॉडी के कौन से जगह में प्रेस करके सामने वाले को समझाओगे कि प्लीज बिलीव मी आई एम सिंसियर लेट्स गो एंड सी सम इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स so, को देख सकते हो आप कान के तरफ उंगली दोगे या नोज के तरफ उंगली दोगे अपने आर्म में उंगली दोगे अपने नीज में उंगली दोगे या अपने चेस्ट में अपने दोनों हाथों को रखोगे और बोलोगे कि मुझ पे भरोसा कीजिए एंड द राइट आंसर इज चेस्ट एब्सोल्युटली राइट जब हम कभी भी सामने वाले को बोलते हैं ना प्लीज मुझ मुझे भरोसा कीजिए मैं सच बोल रहा हूँ हमारे हाथ चले जाते हैं ऐसे चेस्ट में इट शोज दैट आई रियली वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम ए जेनुन पर्सन

head tilted downward सर थोड़े नीचे की तरफ डाउनवर्ड है eyebrows lowered आइब्रोस भी थोड़े नीचे की तरफ है. eyes narrowed छोटे-छोटे आइज बन रहे हैं mouth to the side आपकी जो माउथ है वो थोड़ी साइड में जा रही है और hands on the hips आपको क्या लगता है इनमें से कौन-कौन से क्लूस हैं जो बता रही है कि सामने वाला इंसान गुस्से में है एंड द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स हेड टिल्टेड डाउनवर्ड आइब्रोस लोवर्ड Narrow eyes, mouth to the side, and hands on the hips. All answers are correct. All these body language cues demonstrate that she is showing anger. Let's go for the final, final, final one. ये पिक्चर को अच्छे से देखिए वट डू दिस बॉडी पॉस्चर सिग्निफाई ये जो बॉडी पॉस्चर आप एक लड़की की और एक लड़के की देख रहे हो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं, लाइफ से तंग आ चुके हैं या कोई डर है उनको या काफी टायर्ड है या गिल्ट फील कर रहे हैं शेम फील कर रहे हैं और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे हैं इनके इंडिकेटर्स एट द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस यस आर द इंडिकेटर्स दैट दे आर फ्रस्ट्रेटेड दे आर ऑफ समथिंग कोई चीज से डरे हुए हैं टायर्ड हैं और शायद थोड़े शेमफुल भी सो so दोस्तों हमेशा दिमाग में रखिएगा ये जो बॉडी लैंग्वेज है आप देखो हाथों को सर पे ले जाना सर नीचे की तरफ है जो आप मेल इंसान देख रहे हैं वो अपने प्राइवेट एरिया को क्रॉस करके बैठा हुआ है ब्लेडिंग अपनी बॉडी को साइड की तरफ टर्न करना इट शोज दैट दैट पर्सन इज नॉट राइट हेड्स एंड डाउनवर्ड शोल्डर भी नीचे की तरफ है हेड भी नीचे की तरफ है मतलब शेम है टायर्डनेस है शायद हारा हुआ इंसान लग रहा है नॉट ओनली दैट क्रॉस लेग्स एंड आर्म्स पैरों को क्रॉस किया हुआ है दैट्स वेरी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज आई रबिंग अपने आंखों को बार बार रब करना दिस ऑल्सो शोज दैट दे आर टायर्ड अनकंफर्टेबल स्ट्रेस में है ऑल्सो द मैन इज हिज फीलिंग आंशियस एंड वर्लर उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेगा थोड़ा चिंतित है अलोंग विथ हिज हैंड सपोर्टिंग हिस्स जी हाँ जैसा मैंने बोला की हाथ को अगर सर में ऐसे करके सपोर्ट दिया गया है तो दिस शोज अस ऑफ tiredness sense of defeat sense of dejected मतलब काफी खराब लगना feeling tremendously bad आपको पता है इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर आपको जॉब मिलने में और इंटरव्यू क्रैक करने में कोई नहीं रोक सकता इंटरव्यू क्रैक करने के ऊपर ये बहुत अच्छा एक वीडियो हमने बनाया है अभी जाइए और इस वीडियो को अभी देखिए दिस इज गोइंग टू चेंज योर गेम